नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौधरी और आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को डेली डायरी न्यूज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस, पूरा भारतवर्ष आज मिलकर गणतंत्र दिवस मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं गणतंत्र दिवस के इतिहास से। जब पूरा देश गणतंत्र दिवस की खुशियां मना रहा होता है तो आइए हम आपको बताते हैं कि इन खुशियों के पीछे कितना तप और कितना परिश्रम करना पड़ा। संविधान के निर्माण में करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। जी हाँ, इसके पूरे प्रारूप में कि इस संविधान के अंतर्गत क्या क्या होना चाहिए, करीब 114 दिन तक बहस चली थी। इस पूरे संविधान पे करीब 63 लाख रुपए खर्च किए गए थे। आपको बता दें कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे पारित किया। तब इसमें कुल मिला के 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां होती थी, जो वर्तमान समय में परिवर्तित हो गई हैं। आपको बता दें कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उसी दिन संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। गणतंत्र दिवस के मौके पर डेली डायरी न्यूज ने कुछ शख्सियतों से बात की, उन्होंने युवाओं को संदेश दिया, आइए देखते हैं। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि डेली डायरी न्यूज़ ने अपना नया लुक चेंज किया है और मेरी बहुत सारी इस 26 जनवरी के शुभ अवसरों ने बहुत सी शुभकामनाएं हैं। और मैं ये चाहता हूं कि जितने भी युवा हैं जो इस फील्ड में हैं, वो सारे लोग इतनी मेहनत करें, और मेहनत से ही सब कुछ हो सकता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता है। और मुझे बहुत खुशी है कि इन लोगों ने एक छोटे से अपने से एक स्टार्ट लिया था और आज वो बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच चुके हैं। रियली मुझे बहुत बहुत खुशी है। देश के संविधान का 68वां जन्मदिन, आप सभी देशवासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और डेली डायरी न्यूज़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका चैनल दिन ब दिन बहुत तरक्की करे, ये तहे दिल से मेरी दुआएं। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और मैं डेली डेरी न्यूज़ को भी काफ़ी शुभकामनाएं दूंगी, क्योंकि उनका नया चैनल खुल रहा है, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के मौके पर मैं भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और डेली डायरी न्यूज़ के सभी दर्शकों को भी बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ। मैं देश के सारे युवाओं को ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने कर का भुगतान समय पर करें। ये करने से आप हमारे देश की प्रगति में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये मेरा एक प्यारा सा मैसेज है अपने भारतवासियों के लिए। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं डेली डायरी की तरफ से, और साथ ही मैं अपने प्यारे देशवासियों को ये संदेश देना चाहूँगी, प्यार से रहिए, मिलजुल के रहिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर डेली डायरी के सभी दर्शकों को अधिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को और डेली डायरी न्यूज़ को भी और इसके माध्यम से तमाम उन दर्शकों को। रिपब्लिक डे के मौके पर डेली डायरी न्यूज़ के सभी दर्शकों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। तो ये थी हमारी एक खास पेशकश गणतंत्र दिवस पर। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डेली डायरी न्यूज़।